Assalamualaikum. नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन। ये जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हम मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। इनसे मैंने ही नहीं बल्कि कई फनकारों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद है जब हम पहले जब मैं मिमिक्री करता था, थोड़ी बहुत दो चार आवाजें निकालता था, सर के शोज देखते थे, सर से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। लेकिन सर बहुत ही हम्बल पर्सन है, आज भी और जब भी, जब अल्हम्दुलिल्लाह जब हर शो सर का हाउसफुल, टिकटें ब्लैक होती थी, तभी भी हर आर्टिस्ट से, हर नए फनकार को सर सपोर्ट करते थे, उनको सुनते थे, उनको इंकरेज करते थे, उनको समझाते थे, तो उनमें से मैं भी एक हूं। तो सर ने मुझे सुना और मुझे कई बार करेक्शन भी किया कि ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो बल्कि। तो मैं आज सर के सामने तो मैं क्या कहूं कि माशाल्लाह सर ने सारी दुनिया में कॉमेडी और हैदराबाद का नाम रोशन किया है, तो हम इन्हीं को देख के सीखते हैं। तो कुछ चाहूंगा कि मैं सर के सामने गुस्ताखी करूं कुछ सुनाने की। आजकल डिजिटल जमाना है, हम लोग देखते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया कि मैं आ रहा था तो एक लड़का अंधा है, हाथ में कैमरा ले लेके जा रहा, कानों में हेडफोन लगे हुए। बोला भाई एक सेकंड ठहरिए, आगे ट्रैफिक है, मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप अंधे दिख रहे हो। नहीं नहीं भाई, टेंशन की बात नहीं, आप जाओ मैं देख लेता। अरे क्या हो? अरे ठहरो भाई, मैं देख लेता हूँ, आप जाओ ना, मैं आपको क्या करना है, आप ठहरिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई आप अंधे है, आपको दिख रहा कैसा दिख रहा है, आपको कैसा मालूम, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, आगे ट्रैफिक आपको कैसा मालूम। अरे भाई आपको क्या करना है, घर में से ऑनलाइन देख ले, मेरे को बोल रहे मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके की डिजिटल लाइफ हो गई है। और अभी रस्ते में एक अमेरिकन आंटी मिल गए मेरे को, छोटा कुत्ता ले लेके, बालों वाला, आगे पीछे पूरे बाल 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 वाला, उसको पप्पी आ आंटी आंटी मेरी बात आंटी, इसका मुंह आए आप अलग जाएंगे पप्पी आने। तो एक दो आवाजें मैं सुनाना चाहूंगा। यही शो था जब पहली बार जॉनी लीवर साहब के सामने मुझे सर ने प्रेजेंट किया था, यही वो हॉल था रविंद्र भारती, उसके लिए भी मैं सर का शुक्र गुजार हूँ। हर वक्त हर कदम पे सर ने सपोर्ट किया है, मुझे ही नहीं, कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको सर ने सपोर्ट किया, एंकरेज किया, सिखाया है कि काम कैसे करते हैं। तो एक आवाज सुनाना चाहूंगा खादर खान जी साहब की, अगर आपको आवाज अच्छी लगे तो आपकी तालियां मेरा हौसला अफजाई करेगी। खादर खान साहब के घर पे एक गोली बेचने वाला आ जाता है, अपने अंदाज में गोली बेचता है, सस्ती सरदर्द की गोलियां लो, सस्ती सरदर्द की गोलियां लो। खादर खान साहब अपने स्टाइल में, ये गोली वाला इधर आ, तू ये हमारे दरवाजे पे सरदर्द की गोलियां क्यों बेच रहा है भाई, हम लोग क्या दूसरे सब में तत्परता करने वाले लोग लगते हैं। बाबू जी आप जैसे महान इंसान जिस घर में रहते हैं वहां तो सरदर्द अवश्य होता होगा ना, एक आधा दर्जन गोलियां ले लीजिए ना बाबू जी, वक्त पर जरूर काम आएगी। पहले मैं तेरा सरदर्द तो दूर करता हूँ, अब सुन मेरी बात, इस घर का मैं सर हूँ और जिस घर का मैं सर होता हूँ उस सर के घर में तभी दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि हम दर्द की वो गोलियां हैं जो गोली के सर में से दर्द भगा देती है, लेकिन हमारे सर में कभी दर्द नहीं हो सकता। हमको देख के दर्द सर ऐसे भाग जाता है जैसे सिंह को देख के गधा भाग जाता है, एक मयान में तो तलवार मिल सकती है, दो टांगे एक शलवार मिल सकती है, कश्ती बिना पतवार में चल सकती है, लेकिन हम जा रहते हैं वहां दर्द सर कभी नहीं हो सकता। तो हमारे दरवाजे में दर्द सर की गोलियां बेचने हैं। बाबू जी एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? क्यों, उसमें डूब के खुदकुशी करनी है? नहीं, आपसे बात करके मेरे सर में दर्द होगा, दो गोली मैं खा लूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी लीवर साहब। कमाल हो गया बाबा, कमाल हो गया। अमित भाई क्या करते हैं आप, कमाल करते बाबा, कमाल करते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू शहबाज। जैसे कि शहबाज ने बताया अभी कि 2015 में जॉनी लीवर मेरे शो में आए थे, तो सामने बैठ के उन्होंने सुना था और इस लड़के को बहुत पसंद किया था। मैं जॉनी को तो घर मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और मुझे जो खुशी हुई थी कि मेरे शहर के आर्टिस्टों का आगे बहुत नाम हो रहा है और यूट्यूब की दुनिया में बहुत ही ऊंचे मुकाम पर है, आज लाखों इनके फैन फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ऑर्गेनाइजर हमारे कन्वीनर अवेश कमाल,
हफीज बुखारी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शहबाज खान की गुलपोशी करें हमारे एडीएम कल्चरल टूर की तरफ से, क्योंकि ये सरप्राइजिंग एंट्री है इनकी और ये भी आने वाले दौर का यूट्यूबर है जो मेरे चैनल हैदराबादी मतवाले की खुशबू करता है, डायरेक्ट करता है और एक्ट भी करता है। आगे से बहुत सारे आप जिस तरह से मैं आपको आशीर्वाद दिया आप इसको आशीर्वाद दें। थैंक यू शहबाज, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शहबाज। तो दीजिए।